सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। तो भाई अभी आप देख रहे हो मुझे इतना मोटा सा हेलमेट लगा के, क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ भाई कटिंग कराने के लिए जॉन के पास, क्योंकि आपको पता है जॉन से मिलना भी था मुझे और उसकी कटिंग तो भाई माशाल्लाह होती है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं उसके पास कटिंग कराने के लिए। बाबू आ जाओ जल्दी। और इतना बड़ा हेलमेट मेरे को लगा के ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं इसको चला बैठ लगा के स्कूटी चला पाऊँगी भी कि नहीं चला पाऊँगी, समझ नहीं आ रहा मेरे को। जल्दी आ जा, ये देख लो जरा, ये जा रही है पूरी हीरोइन बन के। नीचे तो दिखा दो, दिखा दिया मैंने। नीचे देख लो जरा, ये वाली मेरे को दे, ये वाली तू ले। ये ना आपको हर चीज चाहिए, इक्वली है दोनों है ना, दोनों बराबर ही है, मान जो बात ही है। ये थोड़ी बड़ी है, ये दे दे, इससे सूट कर रहे हैं तेरे पे। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अभी हम फटाफट से जा रहे हैं बस्ती डुगू के बाल कटाने और जॉन से मिलने। वैसे मेन पर्पज जॉन से मिलना है, लेकिन साथ साथ बाल भी कटाने क्योंकि मौका नहीं मिलेगा ऐसा। चलो चले, फाइनली आ गए हैं हम जॉन से मिलने। ये देखो ये रहा जॉन, क्या हाल है जॉन भाई? बहुत कितने टाइम के बाद मिले हम? 2 साल से ज्यादा हो गए, नहीं बहुत ज्यादा हो गए, अप्रॉक्स 3 साल हो गए, नहीं 3 साल। जॉन भैया, जॉन ने भाई आज कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं लिया, क्योंकि वो हमारी वजह से नहीं लिया उसने, क्योंकि हम मिलने वाले थे। तो आई एम सो हैप्पी टू मीट हिम। तो चलो चलते हैं अंदर। तो गाइज फाइनली आफ्टर 2.5 ईयर्स, ऑलमोस्ट 3 ईयर्स के बाद डुगू अपने फेवरेट कटिंग कराने आए हैं जॉन से। तो भाई ये देख लो, मैं ट्राई करने वाली विराट कोहली। ओह माय गॉड, विराट कोहली ने बेचारा कहीं पागल ना हो जाए कटिंग देख के, क्योंकि जॉन ने भी सेम कटिंग की हुई है विराट कोहली वाली। जॉन कटिंग दिखा अपनी, मेरे को याद आ गया एकदम, कटिंग दिखानी है ये कटिंग है, पता नहीं मेरे को तो नहीं पता, मुझे इसको देख के याद आया मुझे ये कटिंग कराई, बट अभी मेरे बाल थोड़े छोटे हैं, तो हम देख रहे हैं कि वो सूट करेगा कि नहीं करेगा मेरे पे। अगर कर जाएगा सूट तो मैं रख लूंगी, नहीं तो चेंज करा दूंगी। ठीक है ठीक है, कुछ भी करा सकते हैं। अब ये देख लो, मुझे उसकी कटिंग की बार अच्छी लगती है, इसके हाथ में बहुत फिनिशिंग है। ये देखो ये मुझे वहां पे दिखता ही नहीं है, ऐसे आता ही नहीं है ये सर्कल यहाँ बिल्कुल भी। तो भाई मेरा तो कोई काम ही नहीं है, मैंने सिर्फ अपनी थ्रेडिंग सेट करानी है जॉन से, वो भी उस तरह से बाद में कर देगा, बची कुछ थोड़ी बहुत जो छोड़ी है वहां पे वहां वालों ने उसको सेट कर देगा। आजकल वैसे मेरे जो पर्सनल लाइन है वो उसका नाम है पायल बत्रा, क्योंकि वही मेरी पर्सनल लाइन बनी रहती है उस तरह लेके। देखो पता है उस तरह से बनाती है ये मेरी आईब्रो। अच्छा। हाँ, फेस वैक्स वाला नहीं होता, फेस रेजर नहीं होता उससे। अच्छा। ओ भाई ऐसा ऐसा सीन है, और अभी हम बस यहाँ पे म्यूजिक व्यूजिक सुनेंगे, बैठ के एंजॉय करेंगे, इतने साल के बाद आई हूँ मैं। और ये इसका नाम भूल गई मैं, कौन नाम बताना सके, जुगनी इसका ना, ये ना बचपन में ना छत से गिर गई थी मेरी बच्ची, और इसका ना वेट गेन हो गया बहुत ज्यादा, तो ये जब चलती है ना तो उसके लेग्स पे मतलब कि बर्डन आता है, तो ये ज्यादा बर्डन ले नहीं पाती, फिर ये रोती है। और ये ना थोड़ी मुझे इसको देख के बहुत दुख हुआ, ये मोटी हो रही है, क्योंकि जॉन को टाइम नहीं मिल पाता, मतलब जॉन को यहाँ से टाइम नहीं मिलता शॉप से, तो वो इसको ज्यादा वॉक वगैरह नहीं करा पाता, तो इसीलिए थोड़ा वेट गेन कर लिया। बट मैंने जॉन को बोल दिया है कि डाइट फूड आता है इनका डॉग्स का, जिससे ये रिड्यूस कर पाते हैं अपना वेट, और मैंने बोला है कि अब समर्स में थोड़ा इसको बाहर लेके जाए ताकि ये अपना वेट रिड्यूस कर पाए। ये बहुत प्यारी बच्ची है, बचपन से ये बहुत प्यारी है। ए जोना, ओ गुंजू, ए गुंजू, ए चुनमुंजी, चुनमुंजू। हाँ ये परेशान करते हैं सच में, थोड़ा उठ के शूट कर लो ना मैं ऐसे। अच्छा रहा है जान, तुम तेरे को लगता है मैं ऐसे शूट कर दूंगी तेरे को? नहीं दिख रही, नहीं दिख रही। तो भाई हम आए हैं जॉन के पास, और जॉन ने लेके आया है मस्त कुलचा, वो और ये है यहाँ का पिज्जा कुलचा, पिज्जा कुलचा, ये पिज्जा कुलचा है, और मैं ये वाला पिज्जा कुलचा खाती थी अपने बैंक के बाहर जब मैं जॉब कर रही थी, तो ये मेरी दोपहर की मील होती थी। और साथ में लेके आया है माजा, हम जिसको बोलते माजा ही लिया, तो ये बोला था कुछ खा लो खा लो, बट इतना कुछ मन था नहीं, तो फिर भी हमने बोला कि ठीक है तू ले आ कुलचा ही ले आ। तो भाई अभी माजा लिया है, मस्त 3 ग्लास आ चुके हैं, अपन तीनों बैठे हैं, और मेरे से बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा, और जुगनी भी बैठी, जुगनी खाती है तो इसके साथ 250 ml वाली फ्री नहीं लेके आया, इसके साथ बोतल फ्री थी, ये देख लिखा उस पर 250 ml फ्री, फ्री वाले लाते ही नहीं है ना ये।
तो गाइस फटाफट से पहले हम खा लेते फिर मिलते हैं आपसे। चलो तो गाइस अभी शाम के बच चुके हैं 7:30 और भाई हम जॉन से डुगू की कटिंग करा के आ गए थे मस्त तरीके से। ये देखो और अभी ये बातें ऐसी ऐसी कर रहे थे ना दोनों मिलके और अभी ये देख लो इनके नाटक पूरे दिन यही चलते हैं। ज्यादा हिलो डुलो मत, कैमरा ना तो घुमाने सकती मैं। शक्ल दिखा अपनी जल्दी कर, लिपस्टिक लगाई तो है तूने सानिया? इतनी तो लगा रखी, खड़ी हो जा, मर जा तू। देखो कटिंग भाई डुगू की, ये देख लो भाई। अरे मैंने सेट नहीं किया एक्चुअली, मेरा मन नहीं था ड्रायर करने का ना, तो फिर मैंने सेट नहीं किया। लेकिन स्मार्ट बहुत लग रहा है ये हेयर कट डुगू पे। और भाई अभी हमारे कुछ यू नो जानकार भी मिलने आए थे भाई, तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। काफी प्यार मिल रहा है लुधियाना के आप लोगों का, जलंधर वालों ने भी बहुत अतहा प्रेम दिया था भर भर के, लुधियाना में भी प्यार मिल रहा है लेकिन थोड़ा कम कम मिल रहा है। क्या क्यों बैठे वैसे? तो भाई अभी हमारा प्लान है मस्त बाहर से मोमोज वगैरह ला के खाने का, क्योंकि चिज्जी ये चिज्जी मांग रही है, मैं नहीं दे रही इसको चिज्जी नहीं ला के। तो भाई हनी अभी उस कमरे में, हनी को बड़ा ही मिस कर रहे हो आप लोग। कहता हनी भैया बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी मस्ती बहुत मिस करते हैं हम, तो हनी भैया को भी दिखाती हूँ। सानिया दीदी अच्छी नहीं लगती, सानिया दीदी तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है टेडी बियर जैसी। सानिया दीदी प्लीज आओ ना व्लॉग में, सानिया प्लीज कम। Guys, missing you a lot, baby. भाड़ में जा आराम चौधरी, किसी की पत्नी। अरे भाई बता दे। अरे हाँ, पहली बात भाई तुम लोग क्यों ऐसी हरकतें करते हो, गंदा फील करवाते हो यार मेरे को भी। नाक कटवा रखी है मेरी, क्या कहेंगे ये आसान्य और अच्छा लगेगा इनको सोच के। तुम सब लोग मेरे रिश्तेदार हो, अच्छा लगता है ऐसे। हनी सान्या का छोटा भाई है और सान्या हनी की बड़ी बहन है और ये दोनों हमारे भाई बहन है, तो भाई हमारा ऐसा वाला रिश्ता है। नहीं मेरे तो दोनों दोस्त हैं, मेरी तो बहन नहीं है, मेरी भी बहन नहीं है ये कुत्ती। ये मेरे को बीच वाली उंगली दिखा रही है ऐसे कर कमेंट बॉक्स में, इसका क्या मतलब है? क्या इसने दिखाई अभी तुझे को मतलब नहीं पता इसका? मुझे क्या पता क्या मतलब होता है इसका, इसने दिखाई है बीच की उंगली। गंदी बातें करते हैं गाइस, ये पूरे दिन मैं बता रही हूँ आपको। तो भाई अभी हम जाएंगे थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह लेके आएंगे, मजे करेंगे, मौज करेंगे मस्त बैठ के। और मैं तो देखो रेडी हूँ, मैं एक्चुअली मेरी बाहर बाइक वेट कर रही है, आज मैं थोड़ा राइडर वाले मोड में हूँ। एंड चलो मैं हनी से मिलवाती हूँ आपको। चलो जा, वो फोन में ही लगा हुआ है ऐसे भी। ना खराब मत करो, चिज्जी ले आना, मैं यहाँ पे कोई वो हूँ ना चिज्जी। सो हनी इज नॉट हियर एक्चुअली, आई डोंट नो वेयर इज ही, है ही नहीं वो तो यहाँ पे। हाँ चलो कैचू बेबी देख लेते हैं। कैचू बेबी नीनू टाइम, और मेरे बच्चे भगवान जी गॉड ब्लेस यू, मेरी बीच इतनी प्यारी हो ना, बच्चों इतनी सुंदर। भाई फाइनली हनी आ गया है, आई थिंक ये गया था वॉशरूम। अभी हम स्नैक्स खाएंगे ना तो जगह तो होनी चाहिए ना पेट में, तब थोड़ी देर पहले मैं गई थी। हाँ पहले पायल का नंबर लगा था, फिर मेरा, फिर अब हनी का। अब सानिया तो पहले से बैठी है अपना मामला डन करके, तो भाई पेट हल्का होगा तभी कुछ अंदर, तभी कुछ अंदर जाएगा। अरे वो चिज्जी मांग रहे हैं कब से अंदर वाले, पता नहीं कह रहे चिज्जी चाहिए हमें, पता नहीं को कौन सी चीजें चाहिए, कौन सी चीजें मांग रहे हैं ये बताओ। हमको नहीं बताया क्या चीजें मांग रहे हैं, हमारे पास कोई चीजें नहीं है, हम तो भाई अपना मस्त बैठेंगे हमारी थम्सअप थम्सअप लेके फ्रिज में। हाँ ये दे दो इनको, ये इसमें ही दे दो मामला डस्टबिन से उठा के। तो भाई अभी देखो मैं और सानिया जाएंगे बाहर, और स्कूटी की राइड उसकी बहुत ही खतरनाक होती है, तो मैं उसके पीछे बैठने वाली हूँ, तो ये भी एक रिस्क वाला ही काम है, तो चलो चलते हैं गाइस। सो गाइस भाई आज है हमारी पार्टी, गोलगप्पा पार्टी, भेलपुरी पार्टी, कुछ बाहर से है। और ये है मोमोज पार्टी और साथ में चली भाई कोल्ड ड्रिंक, हम सब ले आना बाहर से उठा के। हैं क्या कह रही है ये देखो, और ये यीशु ने पहन मखनी दाल, ये मखनी दाल पासी ढाबा है उसके हैं, और ये बहुत टेस्टी बनाते हैं, ऐसा सलाद भी दिया ये रहा। और भाई इसमें हमारे मोमोज, और वो सानिया स्पेशली मेरे लिए लेके आई है। Yes. वो देखो वो जरा खाना सामने, वो मेरे लिए लेके आई है स्पेशली। Yes.
और आज हम भाई ये वाली हल्दीराम की भेलपुरी बनाने वाले हैं, ये वाली जो हम हमेशा बनाते हैं घर पे, बट वो छोटा पैकेट होता है, ये बड़ा पैकेट है। बापू फिर तो इसके अंदर भी निकलेगी वो चटनी चुटनी सी निकलेगी। तो भाई आज तो मस्त एकदम पार्टी होने वाली है हमारी, मस्त पार्टी वार्टी करेंगे। यहाँ पे मोमोज मोमोज आ गए भाई, गरम गरमा गरम मोमोज, मोमोज भी अपन खाएंगे मस्त। ये देखो। तो गाइज गुड मॉर्निंग, और आज है नेक्स्ट डे, और भाई रात को इन्होंने जो मतलब स्टाइल है मारी है, जो मतलब कॉमेडी का रूम बनाया हुआ था इस कमरे को, वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। हंस हंस के दिमाग खराब कर दिया, मैं तो हंस हंस के उधर ही गिर गई थी अपने वाले कॉर्नर वाली साइड पे। ओहो भाई, और उस चक्कर में व्लॉग भी एंड करना भूल गए है। हुआ क्या, रात को हम गए मोमोज वगैरह लेने, तो मोमोज वगैरह ले आए, गोलगप्पे वगैरह ले आए, और भाई यहाँ पे बैठ के मस्ती कर रहे हैं। फिर उसके बाद ना इनको लगी भूख, तो हमने कल जो घर के पास ही ना ढाबा है, बहुत टेस्टी मिलता है वहाँ पे ना सारी चीज़ें, तो हमने वहाँ से मंगाई दाल मखनी और राइस। तो ना इतने गर्म गर्म थे वो, क्योंकि बिल्कुल पास से ही आए थे, और इस महाराज ने सारे एक साथ मिला के यूं हलवा कर दिया उसका। मेरे को लगा भाई भूख लगी है, अच्छे से खाएगी, और ये हाथों से खिलाया सबको, बड़े प्यारा रहा था रात को। फिर खिला खुलू के फिर कहती है कि नहीं अब मेरे को भूख नहीं है, अब रख दो। फिर वो फ्रिज में रख दिया हमने, किसी के खाने लायक नहीं बचा, वो बर्फ कर दिया खाना बिल्कुल, तो बर्फ कर दिया वो। पता है मेरा कितना मन था, मैंने अपने वजह से मंगाए थे, वरना ये। और हाँ, इन्हीं ने सबसे पहले ये भी कहा था, पागल हो क्या तुम, इतना सब कुछ रखा है, इसके बाद तुम्हें खाने की जरूरत पड़ेगी क्या? मैंने कहा मेरे को खाना है, और सोचो मैं ही नहीं खा पाई ठीक से भाई, ये सारा नाटक किया। फिर ना क्या बोलते हैं, जब इन्होंने रात को दो चार घसी खाए थे चावल के, बाकी फ्रिज में रख दिए। फिर सुबह 5:20 की बात है, कल हम जल्दी सो गए थे, 12 बजे तक ही सो गए थे हम कल, तो सुबह 5:20 की बात है, और मैं तो सोई हुई थी, अचानक से ना ये मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। और सानिया पता कैसी है, जैसे अपन नींद में होते तो थोड़ा टाइम लगता है ना नींद वाले जोन से बाहर आने में, ऐसा करके चावल बड़े गर्म करके लाऊं, ऐसे सोई ना हो, सीधी के सीधी उठ के सोई ना हो। और इतनी बात बोलते वो चली भी गई, नीचे वाले फ्रिज में रखे हुए थे वो, और गर्म करके ले आई इनके लिए चावल दाल मिक्सी थे वो, क्योंकि उन्होंने कल मिक्स कर लेते रात को, पराठा अचार और जो जो उसको दिखा वो ले आई। फिर ये यहाँ पे चावल खाएगी, ले चावल खाएगी। इतना गुस्सा आ रहा ना मुझे, क्योंकि मुझे नींद आ रही थी जोर से। और भाई उसके बाद ना ऐसे ऐसे करके ना मुझे लेटे लेटे को 2 बाइट खिला दिए, कहती चावल तो तेरे फेवरेट है। मैं क्या, दिमाग खराब मत करो, सोने दो मुझे ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि तुमने फालतू में सुबह 5:30 बजे मेरे मुंह पे खाना क्यों लगा दिया, मैंने कहा अब मेरे को भूख भूख फील हो रही है। नहीं, उसके बाद ये मेरे को सोने नहीं दे रहा, तो मैं फ्रेश होने चली गई, तो भाई मेरा पेट हो गया खाली एकदम से। फिर मैंने कहा कि तुमने मुझे भूख लगवाई है, क्योंकि अपन उठने के बाद फ्रेश फ्रेश होके नहा धो के नाश्ता करते हैं, और मुझे सुबह 5:30 बजे थे तो सोना ही था। तो कहती है रुक जाओ मैं ना जोमेटो करके पराठे मंगाती हूँ। सुबह कह रही 5:30 बजे बता कौन सा खाएगी, आलू का पराठा, प्याज का पराठा, गोभी का पराठा। मैंने कहा चुप हो जा कुछ नहीं खाना, सुन मूली का पराठा भी है, मेथी का पराठा भी, पता कौन सा खाएगी, मैंने कोई सा नहीं खाना, आलू प्याज का पराठा मंगा लू। इतना गुस्सा आया ना मुझे, मैंने कहा चुप करके सो जाओ। कहती अदरक वाली चाय भी आएगी मस्त मस्त। इतना परेशान किया भाई आज सुबह कसम से। तो भाई अब जाके मैं तो उठी थी, आधा पौन घंटा पहले उठी थी मैं, और मैं मस्त नहा चुकी हूँ, मैंने बताया मेरे गले की दिक्कत हो रही है, और मैं मस्त नहावा चुकी हूँ भाई, अभी मैं नाश्ता करूँगी। और मैं इसलिए जल्दी नहा ली कि आज कहीं तो जाए हम, तो नहाने धोने के पीछे लेट ना हो, और आज सानिया भी सुबह ही मस्त काम करने में लगी पड़ी है, ताकि हम लेट ना हो। तो आई होप गाइज आपका आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, और ये सारी नौटंकी भी पसंद आई होगी भाई, और आप इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दोगे। और हाँ बिल्कुल, घर के बाहर ना काम चल रहा है, दीवार तोड़ रहे हैं वो, तो इसलिए थोड़ी आवाज आएगी, तो उस डिस्टर्बेंस के लिए आई एम वेरी सॉरी गाइज। मिलते हैं थोड़ी देर में नए व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, आई लव यू सो मच, टाटा बाय बाय, गुड मॉर्निंग।